लोटा कर देंगे, वोट नहीं देंगे, क्लियर बोल रहे हैं। हमने बनाई सरकार, लेकिन हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। अगर हमारी मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है, भेदभाव दूर हो, शोषण दूर हो, भारतीय सेना मजबूत हो, बिल्कुल वोट की चोट करेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। हम जो कहेंगे वो करेंगे। जिस देश के सैनिक सड़कों पे आ जाएं, उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। जो आप बोल रहे हैं कि 70,000 करोड़ रुपया हमने दे दिया, तो वो किसको दे दिया? जिसका हक था उसको मिला नहीं, तो वो पैसा गया कहाँ? उनको जांच में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। जवान के लिए जो फार्मूला लगाया 2.57 का और ऑफिसर के लिए लगाया 2.81 का, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। मेरे हाथ की कीमत और आपके हाथ की कीमत एक है। जवान का हाथ कट जाता तो उसे 9 से 10 हज़ार रुपये मिलता है, और ऑफिसर का हाथ कट जाता तो उसे 95,000 रुपये मिलते हैं। क्यों? शरीर की वैल्यू एक है, आपके वोट की वैल्यू एक है, तो ये भेदभाव क्यों? तो भेदभाव और शोषण तब बंद होगा जब हमारी सरकारें इन कानूनों को बदली करेगी। ये जो अंग्रेज़ों के जो कानून है, आप इनको बदलिए। फौज है तो देश है। फौज ने पहले भी देश की सीमाओं की रक्षा की है, हमारे बुजुर्गों ने वहाँ पीढ़ियाँ पीढ़ियों से कुर्बानियाँ भी दी हैं, और हम भी करके आए हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पूर्व सैनिकों का कई दिनों से धरना चल रहा है। ओआरओपी को लेकर धरना है, आप सब जानते हैं। कहां से आए हैं आप? मैं अशोक कुमार, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं हरियाणा से आया हूँ। और आज हमारे धरने को 181 डेज हो गए, 181वां दिन है आज। ये 20 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था, और ओआरओपी 2 में जो विसंगतियाँ हुई हैं उनको लेके ये धरना दिया जा रहा है। वन रैंक वन पेंशन के जो है उसमें, जो अभी तक जो है ना सरकार ने क्लियर नहीं किया है। इतने दिन से धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन शांति प्रिय आप लोग लगातार कर रहे हैं, कोई असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, असर है, असर तो हो रहा है, लेकिन सरकार उसको दिखा नहीं रही है। क्या असर हो रहा है सरकार के अंदर? ये खलबली है, क्योंकि देखिए हमारा जो वोट बैंक है ना, वो 5 करोड़ का है, 140 सीटों को प्रभावित करते हैं। और इस बार हम करेंगे, क्योंकि 75 सालों से जो है ना इस चीज़ की डिमांड चली आ रही थी, और मोदी सरकार ने ही, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने ही जो है ना, मोदी साहब ने रिवाड़ी के अंदर रैली की, और रैली के अंदर ये बोला गया कि 100 दिन के अंदर अंदर जो है ना मैं वन रंग पेंशन को लागू कर दूँगा। और उन्होंने किया भी, किसी हद तक किया भी, लेकिन ओआरओपी 2 के अंदर वीर नारियों को पीएमआर जो है, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, वो शब्द गढ़े गए, और जो जेसीओज रैंक को बिल्कुल बाहर कर दिया गया, कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई। और वो जो पैसा जवान का था, जो जवान से लेके जेसीओज तक का था, सूबेदार मेजर और कैप्टन तक का, वो ऑफिसर को दे दिया गया, और वो जो पैसा हमारा था वो हमें नहीं मिला। हम इसी की हम बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से कि आप इसकी जाँच कराइए, 3 जजों की कमेटी बनाइए, ताकि ये जो आप बोल रहे हैं कि 70,000 करोड़ रुपया हमने दे दिया, तो वो किसको दे दिया? जिसका हक था उसको मिला नहीं, तो वो पैसा गया कहाँ? तो हमारी यही डिमांड है पहले कि 3 जजों की कमेटी बनाइए और आप इसकी जांच कराइए। हम बोल रहे हैं, हमारे को 81 दिन हो गए, अगर झूठ होता था यहाँ झूठ नहीं टिकता, हम सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर। आप जाँच तो कराइए, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि न मैं खाऊँगा न खाने दूँगा, तो फिर वो पैसा कहाँ गया? तो उसकी जाँच कराइए। क्या लगता है आपको, इसमें प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या जो भी हैं, उनके शह दिए होंगे तभी ये सारी चीज़ें हुई होगी? नहीं, देखिए शह का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कोई इतना ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन ये साफ साफ दिखता है। मैं आपके दर्शकों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो है इस चैनल पर जो है कमेंट करके बताएं कि फौज है तो देश है। फौज ने पहले भी देश की सीमाओं की रक्षा की है, हमारे बुजुर्गों ने वहाँ पीढ़ियाँ पीढ़ियों से कुर्बानियाँ भी दी हैं, और हम भी करके आए हैं, और आगे भी जो है ना कर रहे हैं। अभी तो फौज में इन्होंने 4 साल का कर दिया, ठेका प्रथा लागू कर दी, वो ये फौज में ये चीज़ सक्सेस नहीं होती है, तो ये ऑफिसर लॉबी और सरकार ने मिलके ही किया है, जहाँ तक सीधी सी बात है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि वो भी कॉमेंट करके बताएँ कि ये पैसा जो दिया था, कि हमारी डिमांड, हम ये कह रहे हैं कि आप 3 जजों की कमेटी बना दीजिए और इसका जो है ना जाँच करवाइए, कि जो पैसा प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ये जवान से लेके जेसीओज तक का पैसा है, ये इनको ही मिलेगा, इनको कोई भ्रमित ना करे और ना जवान भ्रमित हो, तो लेकिन आखिर वो पैसा गया कहाँ? 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री जी हर रैली के अंदर बोलते हैं कि हर जवान की जेब में 70,000 करोड़ रुपया पैसा मैंने डाल दिया, टोटल जो पैसा है 70,000 करोड़, वो सबको मिला है। और हम कह रहे हैं नहीं मिला, 181 दिन से हम यही कह रहे हैं कि वो पैसा नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, आप उसकी जांच कराइए। उनको जांच में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? अब ये तो
आप देखिए सोशल मीडिया के थ्रू हैं या वैसे भी मीडिया जो भी है, तो आप पूछिए या दर्शक बताएंगे, भारत देश की जो जनता है वो बताएगी इस चीज़ की कि क्यों दिक्कत क्यों हो रही है। जब साफ सुथरी बात बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि दिया और हम कह रहे नहीं दिया, तो आप जाँच कराइए। ये झूठी बातें जो है ना, बीच में पैसा गया कहाँ? हाँ, बीच में पैसा वो कहाँ गायब होगा, कहाँ गया, तो उसकी जांच कराएं। तो हमारी यही मांग है कि 3 जजों की कमेटी बना दी जाए। देखिए, आप वीर नारियों का 1 पैसा नहीं बढ़ा, जो प्री मेचर रिटायरमेंट है वो बाहर कर दिया गया, सूबेदार से नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर और कैप्टन तक को बाहर कर दिया कि पहले से ज़्यादा ले रहे, और जवान के लिए जो फार्मूला लगाया 2.57 का और ऑफिसर के लिए लगाया 2.81 का, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया पेंशन के अंदर। ये भेदभाव है, ये भेदभाव यूँ है कि हमारा देश जो है वो 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, लेकिन वहाँ के जो कानून थे अंग्रेज़ों के, जो शोषण के भेदभाव के वही कानून जो है ना वो थोप दिए गए देश पे। आज भी वही बहुत से कानून चल रहे हैं, 1911 के जो नियम है वो सेना के अंदर हैं। तो भेदभाव और शोषण तब बंद होगा जब हमारी सरकारें इन कानूनों को बदली करेगी। ये जो अंग्रेज़ों के जो कानून है आप इनको बदलिए, वो जैसे वो आप कौन सा कानून चाहते हैं? शोषण ना हो, भेदभाव ना हो। मेरे हाथ की कीमत और आपके हाथ की कीमत एक है। जवान का हाथ कट जाता तो उसे 9 से 10 हज़ार रुपये मिलता, और ऑफिसर का हाथ कट जाता तो उसे 95 हज़ार रुपये मिलते। क्यों? शरीर की वैल्यू एक है, आपके वोट की वैल्यू एक है, तो ये भेदभाव क्यों? सबसे ज़्यादा जोखिम जो है वो जवान को है, आगे जो मिलिट्री सर्विस पे है उसमें डिफरेंस क्यों? जवान को 5200 रुपये मिलते हैं, जो MNS है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो हमारी बहनें हैं वो जो कभी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनती, उनको 10200, और ऑफिसर को जो पीछे रहता है उसको 15500। तो ये भेदभाव क्यों सेना के अंदर? सेना मजबूत तभी होगी जब आप 1911 के कानून, 1860 के कानून जो हैं अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए वो आप इनको हटाएंगे। आज देश को 75 साल हो गए, अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कानून आपने अंग्रेज़ों को ही लगा के रखे हुए, तो भेदभाव तो होगा क्योंकि उन कानूनों के अंदर भेदभाव है। जैसे सेवादारी प्रथा, बटमैन प्रथा है, जवान जो है वो लड़ाई के लिए भर्ती होता है, न कि किसी के जूते पॉलिश करने के लिए भर्ती होता है। तो ऐसे ऐसे जो है ना बहुत क्रूर प्रथाएँ हैं, और इसमें कानून में जो है ना उनको बदलना चाहिए। और हम ये कई कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं पैसा दे दिया, हम कह रहे नहीं दिया, तो माननीय 3 जजों की कमेटी बनाई जाए, वो इसकी जांच करे 3 महीने के अंदर कि ये पैसा जो दिया वो गया कहाँ, क्योंकि जवानों के पास तो ये आया नहीं, न तो वीर नारियों का पैसा बढ़ा, न JCO साहिबान का बढ़ा, न जो 71 के जो 62 के जो रिजर्विस्ट थे उनका बढ़ा, तो फिर ये आखिर ये पैसा गया कहाँ? तो हम यही तो कह रहे हैं कि उसकी जांच कराएं। सर, 2024 में जो है लोकसभा चुनाव आने वाला है, पूरे देश में जो है चुनावी सरगर्मी है, आपको क्या लगता है अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल वोट की चोट करेंगे, बिल्कुल वोट की चोट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम जो कहेंगे वो करेंगे। इस सरकार को रेवाड़ी के अंदर जो प्रधानमंत्री जी घोषणा की थी, तो 5 करोड़ वोट हैं और 140 सांसद सीटों को प्रभावित करते हैं। ये सरकार इसी बेस पे आई थी, प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, तो वो अब उनके हाथ में। हमने तो सरकार को कुछ नहीं ऐसा कहा कि हम तो यही तो कह रहे हैं कि आप जांच करें ये पैसा गया कहाँ। इस बार मोदी को छोड़कर विपक्ष के साथ जाएंगे? देखिए, हम विपक्ष के साथ जाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। अगर हमारी मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है, भेदभाव दूर हो, शोषण दूर हो, भारतीय सेना मजबूत हो, ये हमारा कहना है, और 3 जजों की कमेटी बनाई जाए, हमारी जो फेडरेशन बनी है। देखिए, पहले हम क्या थे कि हमारे जो ऑफिसर थे उनकी मूवमेंट लीग थी, उसके अंदर थे, हमारा संख्या बल दिखा के और जो भी बेनिफिट लिया ऑफिसर ने वो लिया। आज हमने जो है अलग प्लेटफार्म है, अलग मंच है हमारे पास में, उसका जो है सीधी सरकार हमसे बात करे, ऑफिसर से ना बात करे। इस देश के अंदर बहुत सी यूनियन है, अपर लेवल की हैं, मध्यम वर्ग की हैं और नीचे लेवल की हैं, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने अपना अलग मंच बनाया है। हमारी बात जो है ना सरकार सीधी सीधी सुने कि मेरे पेट में दर्द है, तो मैं ही बताऊँ ना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई दूसरा आके क्यों बताए कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम वोट की चोट कैसे करेंगे, वोट देंगे ही नहीं या किसी और को देंगे? नोटा कर देंगे, नोटा कर देंगे, वोट नहीं देंगे, क्लियर बोल रहे हैं। हमने बनाई सरकार, हम बहुत बहुत सरकार को 14 किसी ना किसी को तलाना पड़ेगा ना, वो देखो जब समय बताएगा कब क्या आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन हम जो है अगर हमारे साथ में धोखा हुआ है तो हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हम तो ये तो धोखा तो नहीं देंगे, हम तो बोल के कह रहे हैं कि हाँ हम वोट की चोट करेंगे। ये तो लॉस दोनों का होगा,
क्या अगर आप मान लीजिए दूसरी सरकार देश के जिस देश के सैनिक सड़कों पे आ जाएं उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। आप बच्चे हो, आप भी जानते हो उस चीज़ को, आप ये बात कहीं पूछ लीजिए। सीमाओं की जो रक्षा है वो फौज करती है, पूरी देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है कम से कम सरकार इनको तो बख्श देती। ये सिक्योरिटी फोर्सेज कैसे काम करती हैं, आज हर हिंदुस्तान का जो नागरिक सेफ है वो इनकी वजह से ही है, वो सीमा पे खड़े हैं। किसी की गर्दन जाती है, किसी का हाथ जाता है, किसी का पैर जाता है, किसी में इंसान पूरा ही चला जाता है, तो कभी उनकी भी देखो कि उन वीर नारियों की जो शहीद हुए हैं उनकी पेंशन आज इस देश में सबसे निचले पायदान पे क्यों है, और ऑफिटू में उनकी बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई। तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पैसा दिया, हम भी कह रहे हैं पैसा दिया, लेकिन वो गया कहाँ, उसकी जांच कराओ ना, वो हमारे पास नहीं आया तो उसकी जांच कराए सरकार। तो इसमें तो आपके दर्शक बताएंगे या देश की जनता आने वाले समय में बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि नेशनल टीवी पे तो कोई बात ही नहीं उठती है, नेशनल मीडिया तो मेरे ख्याल में है ही नहीं आज, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खाली हाईजैक हो रखा है वो, बस और कुछ नहीं। साफ तौर पर आपने सुना जो पूर्व सैनिक है वो मन बना चुके हैं कि इस बार जो है वोट की चोट देंगे सरकार को अगर बात नहीं सुनी जाती है, क्योंकि ये देश का दुर्भाग्य है कि अगर सैनिक जो है सड़क पे आ जाए तो जो बॉर्डर पर रहकर पूरे देश की सेवा करते हैं और जनता की रक्षा करते हैं वो सड़क पर आ जाएं तो देश का दुर्भाग्य है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।